अंडा करी। एक गांव में नितिन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दिखने में काफी मासूम और भोला भाला था। नितिन अपने माता पिता के साथ एक कच्चे घर में रहता था। एक दिन नितिन ने अपने माता पिता से कहा, माँ जी पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरे हुए 2 साल हो गए हैं और गांव में एक भी नौकरी नहीं है। कब तक मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहूंगा? मैंने सोचा है कि मैं शहर में जाकर नौकरी की तलाश करूं, शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। नितिन की बातें सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी, आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप दोनों को सुख से रख सकूंगा। नितिन के कहने पर उसके पिताजी ने हामी भर दी। अगले दिन नितिन ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपना सूटकेस उठाकर शहर के लिए निकल पड़ा। उसके माता पिता खड़े होकर उसे जाता हुआ देखने लगे। अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर जाता देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। नितिन अब शहर पहुंच चुका था और नौकरी की तलाश करने लगा। वो रोज कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाता, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। कहीं उससे पैसे मांगे जाते तो कहीं उसे झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी के लिए कहते। इतने धक्के खाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन नितिन बाहर बेंच पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहां एक महिला आई और बेंच पर बैठ गई। नितिन को उदास देखकर वो बोली, काफी उदास लग रहे हो। हाँ। क्यों? क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया था, सोचा था कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन यहाँ तो कोई ढंग की नौकरी ही नहीं है। अब तो लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। ओह। महिला अपने बैग में कुछ ढूंढती है। अरे नहीं, मैं तो अपना टिफिन लाना भूल गई। लो मेरा खाना खा लो, अंडा करी है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। नितिन के कहने पर महिला मुस्कुराते हुए अंडा करी खाती है। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। तुम एक होटल क्यों नहीं खोल लेते? कमाल का खाना बनाते हो। नितिन सोचता है कि क्या ये सही रहेगा। नितिन के पास थोड़े ही पैसे बचे थे। क्यों ना इन पैसों से मैं अंडा करी की एक छोटी सी दुकान लगाकर देखूं। अगले दिन नितिन ने अंडा करी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। अंडा करी का स्टॉल देखकर काफी लोग आने लगे। अरे वाह, कमाल का अंडा करी है। हाँ हाँ, गजब का टेस्ट है, मजा आ गया वही खाने में। लोगों की बातें सुनकर नितिन को लगने लगा कि शायद उसे अब यही काम करना चाहिए। अगले दिन उसने और लगन के साथ अंडा करी बनाई। देखते ही देखते उसकी दुकान खूब चल पड़ी। लोग उसकी अंडा करी को लाइन लगाकर खाने लगे। बहुत बढ़िया है। हाँ स्वादिष्ट है। जादू है इसके हाथों में तो। एक दिन नितिन की स्टॉल पर वही महिला आई जिसने नितिन को ये आइडिया दिया था। अरे तुम आओ आओ, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। देखो मेरी दुकान कितनी चल पड़ी है, लोगों को मेरा अंडा करी बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं भी कैसा हूँ, बातों बातों में तुम्हें अंडा करी खिलाना ही भूल गया। रुको अभी लाया। नितिन उसके लिए प्लेट में अंडा करी लाता है। तुम्हें तो अब एक बड़ा सा होटल खोल लेना चाहिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए हैं। मैं दूंगी तुम्हें पैसे, हम पार्टनरशिप में करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। महिला ने एक बड़ा सा होटल बनवाया। अब दोनों साथ में मिलकर होटल को चलाने लगे। कुछ दिनों में उनका होटल भी खूब चल निकला। उनके अंडा करी के लिए लोग काफी दूर दूर से आने लगे। नितिन ने अपने गांव के कच्चे घर की जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा पक्का मकान बनवाया। अपने माता पिता के लिए उसने नौकर चाकर भी रखे। आगे चलकर नितिन ने उस महिला से शादी कर ली। उसका नाम सुमन था। अगर मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाती तो क्या होता, जो भी हुआ भला ही हुआ। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी ही मिले, हर किसी के अंदर एक कलाकार छुपा होता है,
जिसको बस पहचानने की जरूरत है। अगर सभी नौकरी करेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? नितिन ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश था।